सुपर सेल लेके आ चुका है एक ब्रांड न्यू डार्क ट्रूप जो कि अनलॉक होगा टाउन हॉल 13 पे, और ये मिनी ग्रैंड वार्डन है। भाई साहब अभी हम लोग यूज कर पाएंगे दो दो ग्रैंड वार्डन, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। अभी हमारे पास सिर्फ हेड हंटर तक ही डार्क ट्रूप है, लेकिन इस अपडेट के बाद आप लोगों को मिलेगा एक ब्रांड न्यू ट्रूप अप्रेंटिस वार्डन, और आप लोग इसको अनलॉक कर पाओगे टाउन हॉल 13 के ऊपर। फिलहाल अभी हम लोग करते हैं इसको डार्क बैरक लेवल 10, जिसके बाद हम लोगों को मिलेगा अप्रेंटिस वार्डन। गाइज ये देखो कॉस्ट ये ले रहा है 1,30,00,000 एलिक्सर, 13 दिन का टाइम लेगा, इसको करेंगे हम लोग अपग्रेड। बूम, ये हो चुका है गाइज हमारा डार्क बैरक लेवल 10, और उसी के साथ मिल चुका है हम लोगों को ब्रांड न्यू अप्रेंटिस वार्डन लेवल 1 का। अभी फिलहाल हम लोग इसको मैक्स लेवल कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ ये करता क्या है। इसको आप लोग लेवल 2 टाउन हॉल 13 पे ही कर पाओगे, लेवल 3 कर पाओगे टाउन हॉल 14 पे, और मैक्स लेवल मतलब लेवल 4 कर पाओगे टाउन हॉल 15 के ऊपर। चलो भाई इसको जल्दी जल्दी मैक्स कर डालते हैं हम लोग। ओके, और ये रहा गाइस मैक्स लेवल का हमारा अप्रेंटिस वार्डन, ये है हमारा लेवल 4 का अप्रेंटिस वार्डन। इसको आप लोग मिनी वार्डन भी बुला सकते हो, क्योंकि यार ये थोड़ा बहुत वार्डन की तरह ही काम करता है। तो बेसिकली सबसे पहले तो देखो डैमेज पर सेकंड, खुद भी मारेगा, इसका डैमेज पर सेकंड है 215। उसके बाद गाइज ऑरा हिट पॉइंट इंक्रीजेस 30%, ये सबसे खतरनाक चीज है। अब ये जो छोटा वार्डन है इसका खुद का भी अपना एक ऑरा होता है, जैसे ग्रैंड वार्डन का ऑरा होता है, और उस ऑरा के अंदर जो भी ट्रूप्स रहेंगे उनकी हेल्थ ये 30% बफ कर देगा, मतलब 30% तक बढ़ा देगा। मतलब समझ रहे हो आप लोग, इसको हम लोग मेन आर्मी के साथ भी डाल सकते हैं, जिससे कि हमारी जो ट्रूप्स की हेल्थ है वो 30% बढ़ जाएगी। अप्रेंटिस वार्डन काम कैसे करता है, बेसिकली उसके ऑरा के अंदर जितने भी ट्रूप्स रहेंगे उनका हेल्थ 30% ये बढ़ा देता है। अब कैसे बढ़ाता है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो स्कैटर शॉट रखा है, उसके सामने हम लोगों ने मैक्स लेवल के 2 बॉलर्स डाले, एक ही शॉट में दोनों के दोनों बॉलर मर गए। उसके बाद अप्रेंटिस वार्डन के ऑरा के अंदर सेम 2 बॉलर्स डाले मैक्स लेवल के, देखो हेल्थ देखो, एक शॉट में मरे नहीं मरे, थोड़ी सी हेल्थ बच गई थी। सी अप्रेंटिस वार्डन भी खुद मारता है और उसके ऑरा के अंदर जो ट्रूप्स रहते हैं उनकी हेल्थ भी 30% बढ़ा देगा, ये मैक्स लेवल का 30% बढ़ाता है, जो लेवल 1 का है वो थोड़ा कम बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोगों ने 3 बलून्स डाले, स्कैटर का एक शॉट लगा, स्कैटर का दूसरा शॉट लगा, मर गए तीनों के तीनों बलून। उसके बाद अप्रेंटिस वार्डन के एबिलिटी के अंदर हम लोगों ने 3 बलून डाले, सी पहला शॉट दूसरा शॉट, दूसरा शॉट भी बलून यहाँ पे सरवाइव कर गए। तो इस तरीके से यहाँ पे अप्रेंटिस वार्डन हेल्प करेगा आपके ट्रूप्स को उनका हेल्थ बढ़ाने में, बफ कर देगा उनका हिट पॉइंट। तो यहाँ पे गाइज हम लोग यूज करेंगे ब्रांड न्यू अप्रेंटिस वार्डन को। तो हम लोग ना इधर से चालू करेंगे हमारी क्वीन चार्ज, ठीक है, तो क्वीन के साथ हम लोगों को निकालना है टाउन हॉल। निकाल पाएंगे क्या, एक काम करते हैं इधर एक वैलकरी को डाल देते हैं और एक विजर्ड, ना ना विजर्ड डालने की जरूरत नहीं थी, अकेली वैलकरी निकाल लेती यार आराम से। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे हिलर्स लगा देते हैं यहाँ पे। ओके, ग्राउंड एक्सबो लॉक हो चुका है हमारी क्वीन के ऊपर, तो एक रिच पे लगा डालते हैं क्वीन के ऊपर, एक बलून वापिस, एक और बलून। चलो भाई सही है, कम ऑन बलून, एक तो सीकिंग एयरमाइन कर ले यार ट्रिगर, अच्छा वहां पे है ही नहीं तो किधर से करेगा ट्रिगर। चलो ये भी ठीक है। ओके, यहां पे एक रेड स्पेल लगेगा हमको, एक सुपर वॉल ब्रेकर, हेड हंटर्स तो गाइस हम लोग लाए नहीं है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अच्छी बात यह है कि क्वीन इधर से जा रही है टाउन हॉल के पास, वेरी नाइस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बारबेरियन किंग को डालेंगे, माइनर्स लगा डालेंगे सारे के सारे, बुड्ढा, उसके बाद एक रेड स्पेल लगाएंगे क्वीन के ऊपर, सारे सुपर हॉक राइडर्स, अप्रेंटिस वार्डन, आरसी, और ये बैटल ड्रिल, क्वीन की एबिलिटी, किंग की एबिलिटी। चलो गाइस क्वीन अपना मस्त काम कर रही है, एक यहाँ पे इनवी स्पेल डाल देंगे, उसके बाद एक हील लगा देंगे यहाँ पे मेन आर्मी के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे एक फ्रीज, थोड़ा गलत डाल दिया, कोई बात नहीं, आरसी की एबिलिटी दबा देंगे हम लोग। चलो गाइज काफी सही जा रहा है अटैक अभी तक तो हमारा। चलो एक्सबो भी डाउन हो चुका है, अभी भी एक हिल स्पेल हमारे पास बच चुकी है, वो हिल स्पेल यहाँ पे आएगी भाई साहब। क्वीन जिंदा बच चुकी है, पॉइजन स्पेल बच चुका है, सीसी आई नहीं यहाँ पे, सीसी होती तो सीसी के ऊपर डाल देते, पॉइजन यहाँ पे लगा देंगे और फ्रीज लगा देंगे भाई साहब। अभी भी काफी आर्मी हमारे पास बच चुकी है, बहुत सारे हॉक राइडर्स हैं, और ये बैटल ड्रिल भाई फटता काहे नहीं है यार, ये फटता ही नहीं है बताओ। हेड हंटर्स भी यार हम लोग तो लाए नहीं गाइस यहाँ पे हेड हंटर्स, कोई दिक्कत नहीं है, एनिमी किंग यहाँ पे हो चुका है डाउन,
बेस के अंदर ज्यादा कुछ बचा है नहीं। अप्रेंटिस वार्डन जिंदा है कि मर गया? ले भाई साहब, यहाँ पे ग्रैंड वार्डन के साथ घूम रहा है अप्रेंटिस वार्डन। ये देखो भाई साहब, बाप बेटा एक साथ घूम रहे, क्या बात है, मजा आ गया गाइस इसको देख के। वार्डन जैसा ही काम करता है भाई ये तो लिटरली। और सीसी तो भाई साहब सीसी फटी नहीं है, आरसी एबिलिटी दबा दूंगा, बेस खत्म। ये लो भाई कर लो बात, आर्मी देखो कितनी सारी बच गई थी। और अप्रेंटिस वार्डन भी लास्ट तक जिंदा था, उसने यार 30% जो भी हमारे माइनर्स थे, सुपर हॉक्स थे, सबकी 30% हेल्थ बढ़ा दी उसके ऑरा के अंदर। नेक्स्ट लेवल चीज दिया भाई सुपर सेल ने। एंड ऑल्सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू यूज कोड Sumit007। शॉप के अंदर आके आप लोग यहाँ पे कोड Sumit007 यूज कर सकते हो कुछ भी परचेस करने से पहले। एंड अगर आप लोगों ने सुपर हॉग राइडर और न्यू डिफेंस लेवल्स की वीडियो नहीं देखी अपडेट की, तो यहाँ पे आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी। तो बस आज के लिए फिलहाल इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।